हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 25 अगस्त से लेके और 30 अगस्त ये जो समय है, इसके बीच में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रमा की, क्योंकि हमने इससे पहले एक सीरीज बनाई थी और उसमें बताया था कि अब हम चंद्रमा के ऊपर, क्योंकि दैनिक राशिफल बनाने की हमने कई बार कोशिश की परंतु समय के अभाव में नहीं बन पा रहा है, तो हम चंद्रमा के द्वारा जो योग निर्मित होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिससे बीच बीच आपको दैनिक राशिफल जैसी जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी और जो चंद्रमा द्वारा योगों का निर्माण होता है, उनका प्रभाव होता है, वो भी हम समझेंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी गोचर में या जानकारियां हैं, जो परिवर्तन होते हैं या कोई चाहे नक्षत्र हो, चाहे राशि परिवर्तन हो, चाहे वक्री मार्गी जो भी स्थिति हो, तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो अब हम समझते हैं कि ये जो क्षमा करिएगा 25 से 30 का ये जो समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चंद्रमा का जो परिवर्तन है, ये 25 अगस्त को रात्रि में 10:30 बजे परिवर्तन होगा वृषभ राशि पर, जो कि आपकी ही राशि पर होने जा रहा है, आपकी ही लग्न पर होने जा रहा है। तो ये चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि ये वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च के होंगे, आपके लग्न में ही होंगे और देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि बड़ा ही दिव्य माना जाता है, बड़े शुभ फलों को देने वाला माना जाता है। और ये गज केसरी योग पर एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर केतु की दृष्टि अवश्य है, तो ये जो केतु की दृष्टि है तो इसको भी हम समझेंगे। और चंद्रमा 25 की रात्रि और फिर 26-27 तारीख को सुबह तक, 27 तारीख और 28 तारीख को सुबह तक रहेंगे और फिर सुबह परिवर्तन कर लेंगे 28 को, तो 28, 29 और फिर 30 तारीख को मतलब दोपहर में 11:30 बजे तक रहेंगे मिथुन पर। तो मिथुन राशि में 26 तारीख से ही मंगल का गोचर प्रारंभ हो जाएगा, तो इससे लक्ष्मी योग बन जाएगा। तो दो दो मतलब ये योग हैं 25 से लेकर 30 के बीच में, दो दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग बनने जा रहे हैं, तो इनका प्रभाव क्या होगा यह समझना बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि आप अपने जीवन में अभी तक टेंशन में थे, मानसिक तनाव में थे, तो ये अब दूर होगा, मानसिक तनाव जो है तो कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा, साथ में आपके समय मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यदि मैरिज लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह कोई कलह का माहौल, कोई समस्याएं थी, तो अब वो दूर होने वाली हैं। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यापारियों के लिए वृद्धि का समय रहने वाला है और ये समय आपके लिए धन वृद्धि कराने वाला रहने वाला है। और यदि आय के मार्ग आपके बंद हो रहे थे तो वो खुलेंगे इस समय। और फिर जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेंगे मिथुन के बाद, फिर वृषभ में, ये वृषभ के बाद मिथुन में आएंगे, तो भी चंद्रमा आपको आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ हो या आपके वाणी से संबंधित लाभ हो, यानी कि आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपके काम बन सकेंगे। और यदि आप चाहते थे कि मैं अपने जीवन में प्रयास कर रहा हूं, कुछ अचानक मुझे प्राप्त हो जाए, अचानक कोई लाभ हो जाए, तो ये समय होगा कि संभवतः आपको अचानक लाभ होने वाला है। ये ध्यान रखिएगा कि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 28 को फिर चंद्रमा मिथुन में चले जाएंगे, तो ये उसके बाद की स्थिति है। तो उसके बाद जो है तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ, और उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा मौका रहेगा जो लोग पैतृक काम कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो या जो भी काम हो आपका। तो अब समझिए कि आपके कपड़े का व्यापार था और आपके पिताजी कर रहे थे, अब आप भी कर रहे हैं, वही संभाल रहे हैं, तो
इस समय इस चीज का बड़ा बेनिफिट होगा ऐसे काम करने वाले लोगों को जो पैतृक काम चल रहा है, कोई भी काम हो सकता है, हमने एक एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। अचानक गुप्त धन प्राप्त होने की स्थिति और जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ धन या गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयास, देखिए प्रयास अब इसमें ये होता है कि अब अलग अलग है, यहाँ पर हम चर्चा करें जो कि हो सकता है यूट्यूब में अलाउड हो नहीं, तो बहुत सारे जो है तो इसमें रहस्य होते हैं जिनको यदि समझा जाए तो लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, और ये हमारी जो पृथ्वी है इसमें बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। तो अब समझिए कि आप प्रयासरत हैं, अब जो भी आपका जो है तो उद्देश्य हो या जो भी आपका तरीका हो, तो जमीन से जुड़ी हुई चीजों में यदि आप प्रयासरत हैं तो इस समय वो चीजें लाभ आपको दे सकती हैं। जो लोग बहुत समय से किसी भी विषय में मंथन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक मौका है, आपको सफलता मिल सकती है। तो देखा जाए तो इस समय आपके अंदर एनर्जी में वृद्धि होगी, इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि, और देखा जाए तो बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। पर एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब जैसे हमने बात की थी अभी शुक्र की पिछले सीरीज में, तो कहीं ना कहीं शुक्र का देखा जाए तो उतना बेहतर प्रभाव नहीं था, पर चंद्रमा का, ये जो चंद्रमा द्वारा योग निर्मित हो रहे हैं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो उसे आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए, फिर लेना चाहिए। क्योंकि समझिए कि जहां वही समय चल रहा है कि 24 तारीख को शुक्र का गोचर जो है तो बदला, और उतना अच्छा प्रभाव शुक्र नहीं दे रहे हैं वृषभ के लिए, परंतु चंद्रमा द्वारा योग निर्मित हो रहे हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। अब जैसे शनि इस समय वक्री अवस्था में है तो वो कुछ अलग प्रभाव दे रहे हैं। तो हर एक ग्रह का अपना अपना अलग अलग प्रभाव होता है, और इसी बात को कई लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, इससे आपके जीवन में और भी बेहतर परिणाम मिल सकेंगे और भी ज्यादा लाभ आप ले सकेंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।